गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ पिंकी तिवारी एंड वेलकम टू द वीडियो क्लासेस ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह। नाउ आई एम हियर टू टीच यू द चैप्टर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स, इट मीन्स टू शो लव, केयर एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स। वी ऑल लिव इन सोसाइटी, All of us depend on one another for different reasons। बच्चे हम लोग देखते हैं कि आसपास की सोसाइटी में हम लोग क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने जरूरतों के लिए, अपने हर कुछ के लिए। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सोसाइटी में एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की केयर लेनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी। एंड इन सोसाइटी इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हेल्प ईच अदर, टू कोऑपरेट ईच अदर। Now let us take the example of Neeta. She lives in a joint family where everyone cares for the comfort of others. She plays quietly when her grandfather rests. All the neighborhood children have also become conscious and do not make noise while Neeta's grandfather is sleeping. इसका मतलब क्या है, नीता जो ज्वाइंट फैमिली में रहती है वो अपने बड़ों की केयर लेती है, अपने बड़ों के कामों में हेल्प करती है, जिससे क्या होता है कि उनके फैमिली में एक पीसफुल एनवायरनमेंट, एक केयरफुल एनवायरनमेंट डेवलप होता है। इसलिए बच्चों आप लोगों को भी अपने फैमिली में अपने बड़ों की हेल्प करनी चाहिए। फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग स्ट्रांग बॉन्ड्स ऑफ लव एंड केयर। ऑल चिल्ड्रन शेयर अ स्पेशल बॉन्ड विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। They gladly run to get spectacles, medicines, or anything that their grandparents want. On the grandparents love their children very much and never forget to buy them gifts like favorite foods, toys, story books, etc. आपके भी घर में दादा जी होंगे, दादी जी होंगी, जो आपको कहानियां सुनाती होंगी, आपके लिए गिफ्ट्स लाते होंगे, चॉकलेट्स लाते होंगे। इसका मतलब क्या है कि परिवार में हम आपसी कोऑपरेशन से ही आगे बढ़ सकते हैं और एक दूसरे के प्रति एक केयरिंग एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। लिविंग इन अ क्वाइट वर्ल्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड। बच्चे आप जानते हो हियरिंग इम्पेयर्ड क्या होता है, ऐसे लोग जिनको की सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के लोगों को कैसे हम लोग पढ़ा सकते हैं, एक लैंग्वेज होता है साइन लैंग्वेज, जो कि हम लोग इशारों से उनमें डेवलप कर सकते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ द जेस्चर्स और माइम यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पीच। इट इज कॉमन अमंग पीपल हु डू नॉट स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज और अमंग पीपल हु आर अनएबल टू स्पीक और हियर। नाउ यू कैन सी द sign language that is given in the picture. The diagram shows the hand movements used in finger spellings or sign language. Each movement symbolizes a letter of alphabet. They are used together with gestures for specific words or ideas which enable a hearing impaired person to converse with others. वो क्या कर सकते, वो सुन नहीं सकते हैं, इसलिए क्या उनके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज डेवलप की गई है, साइन लैंग्वेज, जिसमें इशारों के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। इन अर्लियर टाइम्स मोस्ट पीपल बिलीव दैट हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल वेयर इनकैपेबल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज और बींग एडुकेटेड इन एनी वे, बट पेड्रो डी पॉन्स अ स्पेनिश मॉन्क बिकेम द फर्स्ट टीचर टू टीच सच स्टूडेंट्स। In 1620, Juan Paulo Bonet, another Spanish, wrote the first book for educating them. The book contained a manual alphabet similar to one used today. Deaf people are also trained to make sounds and read the lip movements so that they can communicate with others. बच्चे, पहले लोगों में ये धारणा थी कि जो लोग हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं उनको किसी भी तरह से एडुकेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो पेड्रो डी पॉन्स एक स्पेनिश मॉन्क थे, वो पहले टीचर थे जिन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और 1620 में एक अनदर स्पेनिश थे जो कि जुआन पाउलो बोनेट,
उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को किस तरह हम साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ा सकते हैं और वो भी कम्यूंग अदर पर्सन के साथ ये लैंग्वेज यूज कर कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं। लिविंग इन डार्क वर्ल्ड, द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड पीपल ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते इस दुनिया को, लेकिन वो क्या, वो फील कर सकते हैं और उनमें एक सेंस ऑफ टच होता है जिससे वो बाकी लोगों को फील कर समझते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। दे रीड बुक्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अवर्स, वो भी पढ़ सकते हैं लेकिन उनके लिए एक अलग बुक्स होते हैं। द पेजेज ऑफ देयर बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज डॉट्स, दिस बुक्स आर रिटन इन ब्रेल, दे टच, इसमें डॉट्स बने होते हैं और वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो जो वर्ड्स उसमें लिखे होते हैं। इस तरह से वो भी पढ़ सकते हैं, इस दुनिया को समझ सकते हैं। दस दे रीड बाय रनिंग देयर फिंगर्स ऑन देम, उसमें वो अपने उंगलियों के द्वारा वो लेटर्स को टच कर वो अपने लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो चिल्ड्रेन, ब्रेल वॉज इन्वेंटेड बाय लुईस ब्रेल। In an accident, he lost his sight. He had great interest in reading, which persuaded him to find the ways of reading and writing. Finally, he introduced a way to read and write by touching the raised dots on the paper. Louis Braille जो थे, वो बचपन में ही एक एक्सीडेंट में उनकी आंख चली गई थी, लेकिन उनको पढ़ने के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने ब्रेल को इंट्रोड्यूस किया ताकि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो पढ़ सके और उनमें भी लैंग्वेज डेवलप हो सके। द हियरिंग इम्पेयर्ड और द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन डिजर्व आवर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट पिटी, जो लोग हियरिंग इम्पेयर्ड और विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, मतलब जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों को हमारी दया की जरूरत नहीं, हमारी समझ की जरूरत होती है कि हम उनको किस तरह समझे, उनको हेल्प करें। ऐसे लोगों के प्रति कभी दया नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उनको उनके प्रति अपनी भावना को रखनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू हियर विद देयर इयर्स और सी विद देयर आईज, बट दे कैन बी गाइडेड टू मूव अराउंड देयर ओन लाइक अदर पीपल। दे कैन स्टडी एंड वर्क हार्ड एट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस। They can prove to be useful members of the society. अगर उनको वैसा वर्क दिया जाए, वैसे काम दिया जाए, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया सोसाइटी में, वो एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। If they are given proper facilities, opportunity and guidance, we must give them respect. Never be afraid to ask if they need any help. अगर उनको किसी हेल्प की जरूरत हो तो हमें पीछे नहीं हटनी चाहिए, बल्कि बढ़ चढ़कर उनकी सहायता करनी चाहिए। So children, how to develop sensitivity towards others? कैसे हम sensitivity develop कर सकते हैं दूसरों के प्रति? Respect the elders. अपने बड़ों की हमेशा respect करो. Do not make unkind remarks about anyone's physical appearance, like children wearing dresses, special shoes, spectacles. कभी बच्चे किसी की मजाक नहीं उड़ाइए। अगर वो कोई चश्मा पहनते हैं तो इसको ये नहीं कि चश्मिस कहकर हम चिढ़ाएं। उनके प्रति अपना जो एटीट्यूड है वो अपना अच्छा रखनी चाहिए। डू नॉट मेक नेगेटिव रिमार्क्स अबाउट एनीवन्स रिलीजियन, कास्ट एंड लैंग्वेज, किसी के जाति, धर्म, भाषा को लेकर कभी भी मजाक मत उड़ाइए। टॉक पोलाइटली टू यंगर चिल्ड्रेन, अपने से छोटे बच्चों के साथ हमेशा पोलाइट बिहेव कीजिए। Older people and everyone, especially the servants, आपके घर में जो servants आते हैं उनके साथ भी आप अच्छा behave कीजिए, उनको भी respect दीजिए। Try to participate in different activities, आपके school में बहुत सारी activities होती है, so आपको participate करनी चाहिए, because participation is more important than winning. Have sympathy for the poor and those suffering from any disease. अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसके प्रति सिंपैथी रखनी चाहिए। शेयर द हाउस होल्ड कोर्स, अपने हाउस होल्ड काम में भी अपने बड़ों की हेल्प करनी चाहिए। नाउ यू आर लिविंग एट योर होम, सो यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स चिल्ड्रेन। लर्न अबाउट मेडिटेशन, हमें योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी, किसी चीज में ध्यान लगाना चाहिए ताकि हमारे दिमाग के सारे स्ट्रेस जो है वो
दूर हो सो चिल्ड्रेन गुड सिटीजन्स आर आफ्टर ऑल मेड एट होम. हेयर आर द आंसर्स ऑफ सम एमसीक्यू क्वेश्चंस. बैस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. करेक्ट आंसर इज फैमिली. हु नीड्स आवर हेल्प मोर, हियरिंग इम्पेयर्ड, ओल्ड पीपल, बोथ. करेक्ट आंसर इज बोथ. वेयर आर गुड सिटीजन्स मेड, पार्क, सिनेमा हॉल्स, होम. करेक्ट आंसर इज होम. हाउ डू चिल्ड्रन डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स, वॉचिंग फिल्म, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग देयर पेरेंट्स. करेक्ट आंसर इज वॉचिंग देयर पेरेंट्स. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. इन अ सोसाइटी ऑल ऑफ अस डिपेंड अपॉन वन अनदर फॉर डिफरेंट रीजंस. मोस्ट चिल्ड्रन डेवलप काइंड एंड केयरिंग एटीट्यूड बाय वॉचिंग देयर पेरेंट्स. ऑल चिल्ड्रन शेयर अ स्पेशल बॉन्ड विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स. हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर टॉट साइन लैंग्वेज. पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग. थैंक यू.